अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आदाब। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन। गुलिस्तान न्यूज़ के दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त इस वक्त आप तक हम पहुंच रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। और प्रोग्राम सलाम जेके में आज देश दुनिया की खबरों के साथ साथ मुख्तलिफ मौजूआत पर बात होगी, जहाँ आज मुल्क के अंदर हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलने के इम्कानात है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे मामलात सियासी, समाजी और इंतजामी सतह पर जिन पर बात होगी। ज़िला बारामूला के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लापता होने के बाद जो तलाश जारी है उसमें क्या पेशरफ्त आई, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन प्रोग्राम के तयशुदा फार्मेट के मुताबिक आप पहली नज़र आज के दिन में तारीख पर। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं, 8:37 हुआ चाहते हैं। आज पीर का दिन है, नई सुबह का आगाज हो चुका है और नए दिन की शुरुआत के साथ प्रोग्राम के एक नए शुमारे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो प्रोग्राम का आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक होगा। खबरों, तज्जियों और तबसरों की जानिब हम जाने से पहले आपको आज के दिन के हवाले से आगाह करते चलें। आज अगस्त की 28 तारीख है, साल 2023। लेकिन 28 तारीख को कौन से ऐसे वाकयात हैं जो सरे फहरिस्त हैं, चंद एक वाकयात आपके सामने रखेंगे। 1521 में तुर्क सुल्तान सुलेमान अव्वल के दस्तों ने आज ही के दिन बलग्राद पर कब्जा किया। यह पहला मौका था जब फर्स्ट जो सुलेमान अव्वल फर्स्ट जिसको कहा जाता था, उसने तुर्क अफवाज की जानिब से इस तरह की कोई पेशकदमी की कि किसी एक खित्ते पर कब्जा किया जाए। ग्रिगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन आता है। 1709 में आज ही के दिन पांबिया को मणिपुर के बादशाह के तौर पर ताज पहनाया गया। इसके अलावा 1840 में दमिश्क की जेल से 9 यहूदी कैदी आज के दिन रिहा हुए, जो पहली इस तरह की कोशिश थी किसी अरब ममालिक की जानिब से, जहां पर मुश्तरका इजलास में इस बात पर फैसला हुआ था या इत्तफाक राय पैदा की गई कि यहूदियों के खिलाफ जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जंग छिड़ी गई है, जिसमें यूरोप सबसे ऊपर था, वो सिलसिला कम से कम अरब के अंदर ना चले, तो दमिश्क से आज एक अच्छा पैगाम देने की कोशिश हुई 28 अगस्त 1840 को। 1864 में आज ही के दिन पहला जिनेवा कॉन्वेंशन मुनाकिद हुआ, जिसमें 26 ममालिक ने दस्तखत किए और ये माना कि दुनिया भर के अंदर जो भी मामलात होंगे अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर उनको डिस्कस जरूर किया जाएगा। तो आज के दिन सिग्नेचर्स हुए, सिग्नेटरीज में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल थे, बल्कि पाकिस्तान तब नहीं था, लेकिन बाद में जाकर पाकिस्तान ने भी 1947 के बाद इस पर हामी भरी कि वो जिनेवा कन्वेंशन से जो जो बातें यहाँ की जाती हैं वो उससे इत्तफाक रखता है। 1916 में इटली ने पहली जंग अजीम में जर्मनी के खिलाफ आज के दिन ऐलान किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, तकरीबन 1.5 साल बीत चुका था, मामला तय नहीं पा रहे थे, जिसके बाद इटली ने आज के दिन जर्मनी के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। 1972 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन बिल आज ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर पेश हुआ और आज ही के दिन से मंजूर भी कर लिया गया। 1972 में पाकिस्तान और बांग्लादेश जब तकसीम हुआ, उसके ठीक 8 महीने बाद ये पेशरफ्त हुई थी। 1845 में मशहूर मैगजीन साइंटिफिक अमेरिकन का पहला एडिशन दुनिया के सामने आया, शाया हुआ 1845, तारीख 28 अगस्त की थी। और 1998 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज ही के दिन शरीयत बिल का ऐलान पाकिस्तान के अंदर किया, यानी पाकिस्तान को जमहूरिया इस्लामी ज़रूर कहा जाता रहा, लेकिन जो शरी कवानीन का नफाज अमल में लाना था वो तकरीबन 66 कवानीन के अलावा 100 तक पहुंचाने का सिलसिला इस बिल के मंजूर होने के बाद किया गया। और ये पेशरफ्त हुई 1998-99 में, जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज के दिन शरीयत बिल का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी, अहम वाकयात थे जो आपके सामने हमने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ मौजूआत हैं प्रोग्राम में, एक एक करके आपकी तरफ जाएंगे और ये तमाम खबरें आप तक पहुँचाएंगे। तो प्रोग्राम का आगाज अब खबरों के साथ करेंगे साहिल। बिल्कुल, अब प्रोग्राम की शुरुआत बाज़ाब्ता तौर पर खबरों से की जाएगी और सबसे पहले और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर जो है वो आज ये है कि आज मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हज़ारों नौजवानों में सरकारी नौकरी फराहम करेंगे और इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पर आज तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड में ये आर्डर जो है वो तकसीम करेंगे। रोजगार मेला मुल्क के अंदर पिछले 2 सालों से होता है, वज़ीर आज़म इस तरह की तकरीबात में आमतौर पर वर्चुअली शिरकत करते हैं और आज जो रोजगार मेला होने जा रहा है उसमें तकरीबन 51,000 जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, तकर्रीनामे हैं, वो वज़ीर आज़म की जानिब से तकसीम किए जाएंगे। और इनमें सबसे ज्यादा जिन लोगों को आज अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाने हैं वो नीम फौजी दस्तों के हैं, यानी
पैरामिलिट्री फोर्सेज के हैं। और ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के एतबार से आज की जो भर्तियां हैं या तकर्री नामे दिए जा रहे हैं, तकसीम किए जाएंगे, वो काफ़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जरिए जम्मू कश्मीर तक जाएंगे, बेशतर ऐसे नौजवान जो जम्मू कश्मीर से भी इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का, इस भर्ती मुहिम का हिस्सा हैं। तो मिलिटेंसी के खिलाफ ऐसे नौजवान जिनको आज तकर्री नामे मिलेंगे, या जम्मू कश्मीर के अंदर अमन अमान की बहाली को यकीनी बनाने के लिए और कौमी सलामती या रियासती सलामती के लिए वो इकदाम उठा सकते हैं, कलीदी रोल उन तमाम नौजवानों का होगा। इसके अलावा दो बुजरा जम्मू और श्रीनगर के अंदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस में मौजूद रहेंगे, इस तरह के हमारे पास इतलात हैं। 51,000 लेटर्स या जो तकर्रीनामे हैं वो आज तकसीम होंगे। रोजगार मेला जम्मू और श्रीनगर में बीएसएफ कैंप समेत वर्चुअल मोड के जरिए, जहां पर दो मरकजी वज़रा ममलिकत आज फिजिकली मौजूद रहेंगे, अहकाम हवाले करने के लिए मौजूद होंगे, यानी उन तमाम नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे जो 51,000 लोगों में शामिल है। रोजगार मेला मुल्क के 45 मकामात पर आज मुनाकिद किया जाएगा। 45 ऐसे मकामात हैं जो पूरे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाकों में, जहाँ पर ये प्रोग्राम आज फिजिकली भी होना है, वर्चुअली वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। शुमाल मशरकी खत्ते की तरक्की और तआवुन के मरकजी वज़ीर ममलिकत बीएल वर्मा जम्मू में बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर पलूड़ा में मुनाकिद होने वाले रोजगार मेले में शिरकत करेंगे, जबकि मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला अजय कुमार मिश्रा तकरीब में शिरकत करेंगे और खतूत तकसीम करेंगे। श्रीनगर में जहाँ पर STCBSF में जो मुंतखब नौजवान हैं उनको भी मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला यहाँ पर आज खतूत देने वाले हैं। वज़ीर आज़म के दफ्तर में मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT नई दिल्ली से प्रोग्राम को मजबूत करेंगे। जो वज़ीर आज़म की तरफ से तकरीबात होनी है उसका यहाँ से उन्होंने इंतज़ाम देखना होता है, और भर्ती होने वाले नौजवानों से अमली तौर पर वज़ीर आज़म खिताब करेंगे, और इसके बाद वज़रा और दीगर अहदेदारान मुंतखब जो नौजवान हैं उनको फिजिकली लेटर्स उन एरियाज़ के अंदर तकसीम करेंगे जो दिल्ली को छोड़कर दीगर 44 मकामात हैं। नई भर्ती होने वाले नौजवानों में अमली तौर पर 51,000 लोगों में जो खतूत तकसीम किए जाएंगे, जैसे मैंने शुरुआत में कहा पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा होंगे, और पिछले कुछ महीनों से हर माह रोज़गार मेला मुनाकिद किया जाता है, इसी तरीके के फंक्शंस तकरीबन हर रोज़गार मेले में वज़ीर आज़म की तरफ से 71,000 तकर्रीनामे या जो खतूत हैं वो तकसीम किए जाते हैं। और इस बार नीम फौजी दस्तों में नौजवानों की बड़ी तादाद को भर्ती किया गया है, जिनको आज अपॉइंटमेंट लेटर्स जाएंगे, वो आज के बाद काम करना शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये कि रोज़गार मेला जब 45 मकामात पर होगा, इस रोज़गार मेले के प्रोग्राम के जरिए CAPF जिसे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF कहा जाता है, इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल SSB, आसाम राइफल्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेज में जाने वाले नौजवान जो इस भर्ती का हिस्सा होंगे, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF, इसके अलावा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के साथ साथ दिल्ली पुलिस में भी इस बयान के मुताबिक सरकारी जो लेटर सामने आया उससे पता चला है कि ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो इन एजेंसियों में होनी है। इसमें मजीद ये भी बताया गया है कि जितने भी नौजवान इन भर्तियों का हिस्सा होंगे, वजारत दाखिला के तहत मुख्तलिफ इदारों में कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर, जनरल ड्यूटी और नॉन जनरल ड्यूटी काडर के अहदों पर उन्होंने काम करना है, और सरकारी बयान के मुताबिक CAPF के साथ दिल्ली पुलिस को भी मजबूत करने के लिए आज बहुत सारे नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो इस फोर्स का हिस्सा बने, यानी मौके पैदा करने के साथ साथ आज 673 से ज़्यादा ई लर्निंग कोर्सेज जो सरकार ने इसी तरह के प्रोग्राम के जरिए कराए हैं उसकी भी तफसीलात शेयर कर दी गई हैं। तो हुकूमत के मुताबिक नई जो भर्तियाँ हैं वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मिलिटेंसी को कम करने के लिए या अमन व अमान की बहाली को यकीनी बनाने में अपना कलीदी रोल अदा करेंगे, क्योंकि आज ज़्यादातर जो भर्तियाँ हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी कई नौजवानों की तैनातियाँ अमल में लाई जाएंगी, और मरकजी वज़रा में से दो, एक श्रीनगर और एक जम्मू के अंदर BSF के जो प्रोग्राम्स वहाँ पर होने हैं, वर्चुअली वज़ीर आज़म तो खिताब करेंगे ही लेकिन फिजिकली इन वज़रा ने वहाँ मौजूद रहना है, अपॉइंटमेंट लेटर्स इनको सौंपे जाएंगे। चलिए, रोज़गार मेले की हो रही थी बात, और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जो है नौजवानों में तकसीम करेंगे, और वर्चुअल मोड में जहां वज़ीर आज़म रहेंगे वहीं पर मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से तकरीबात का इनकार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात करेंगे, और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया जहाँ सियाहत, सकाफत और विरासत को आगे ले जाने के लिए कई सारे इकदाम कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर को एक नई पटरी पर लाया जाए, वहीं पर
श्रीनगर के टैगोर हॉल में कल से सकाफती कारवानी विरासत 2023 मेले का इफ्तिताह हो चुका है और 3 रोज़ा इस मेले में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अदीबों कलमकारों शायरों और फनकारों ने शिरकत की है और 3 दिन तक वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ की विरासत सकाफत और यहाँ के सियाहत जो है उसको आगे ले जाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ऐसे इकदाम उठा रही है। ये प्रोग्राम इस तरह का अपनी नवीयत का पहला प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि जहाँ पर बैन अक्वामी सतह के जो मेहमान हैं उनकी मेज़बानी का भी एक मौका जम्मू कश्मीर को मिले, तो उस एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था और विकास भी और विरासत भी का नारा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से इस प्रोग्राम के जरिए लगाया गया। दूसरा, जो जियोग्राफिकल और कल्चरल बाउंड्रीज इतनी फैली हुई हैं कि किसी को भी बिला रोक टोक इस तरह के प्रोग्रामों में शमूलियत का जो है वो जिम्मा दिया जाता है, तो कल भी जो लोग आए बाहर से जिन लोगों ने शिरकत की उनको भी जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की का जो नारा हुकूमत की जानिब से दिया जाता है उसको देखने समझने परखने और मुशाहिदा करने का मौका मिले। इस चीज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया कि विकास भी हो काम भी चलता रहे लेकिन विरासत या सकाफत को ना भूले। दूसरा, जब तकरीब से मेहमान खिताब कर रहे थे तो उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उनकी तरफ से भी ये बात साफ कर दी गई जो हर प्रोग्राम में वो कहते हैं कि जब तक शांति नहीं है, जब तक अमन और सुकून नहीं है, तब तक किसी भी खित्ते के अंदर तामीर और तरक्की होना नामुमकिन सी बात है। दूसरी बात उनने ये कही कि जितनी भी अभी तक तब्दीलियां पिछले 3-4 सालों में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में देखी गई हैं, हुकूमत के इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे या एजेंसियां ये सिर्फ सिंगल हैंडली चीज़ें नहीं कर सकते थे और इसमें बहुत बड़ा रोल तमाम स्टेक होल्डर्स का हो और इन स्टेक होल्डर्स में अगर आवाम को ना जोड़ा जाए तो ये नाइंसाफी होगी। चल बातें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से इस तकरीब में अपने खिताब में कही गई वो आपको बताएंगे, क्योंकि टैगोर हॉल के अंदर होने वाले इस प्रोग्राम में सियाहत के हवाले से भी एक डेटा पेश किया गया, वो ये कि इस बार तकरीबन जो पिछली बार लाखों में सयाहों की तादाद थी उसको करोड़ों तक जाने का या पहुंचाने का एक हदफ जो है कंसर्न डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज ने रखा है, उस पर भी तफसीलात शेयर की गई। लेकिन सबसे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि कल क्लियर कुछ जम्मू कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर्स को और इस तब्दीली के लिए सबको बराबरी का हकदार या शरीक ठहरा रहे थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुनने का। विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की हमारे तमाम सहयोगी कोशिश कर रहे हैं, नई सोच के साथ नई व्यवस्था विकसित हो इसका प्रयास हो रहा है और मैं मानता हूँ नया गीत गाने के लिए भी नया मन चाहिए। जम्मू कश्मीर की हर सुबह एक नए संकल्प के छंदों से शुरू होती है। कुछ वर्ष पहले तक सोचा नहीं जा सकता था कि जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा। मुझे 28 अक्टूबर 2020 की तारीख नहीं भूलती है, मेरी आँख के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई थी। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे मैंने पूछा ये क्या है, उन्होंने कहा ये दरबार मूव हो रहा है। आज हम देश में दूसरे नंबर पर हैं मध्य प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने में, 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो हाईवे हो चाहे टनल हो इसका काम हो रहा है। हर दूसरे दिन जम्मू कश्मीर का युवा एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है। किसानों की आमदनी के मामले में देश में हम 5वें नंबर पर आ गए हैं और आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 4 साल बाद देश में हम ही नंबर एक होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। 700 से ज़्यादा युवा रोज अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रगति का नया गीत अब जम्मू कश्मीर के अधरों पर है और पूरे पुरुषार्थ का साथ हम नए जम्मू कश्मीर की रचना से कर सकते हैं। दयारे दिल में नया नया सा चराग कोई जला रहा है, दयारे दिल में नया नया सा चराग कोई जला रहा है, मैं जिसकी दस्तक का मुंतजिर था मुझे वो लम्हा बुला रहा है। इस विकास यात्रा को आगे एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टाइगर हॉल में जहां इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया वहीं पर 3 रोज़ा जो ये प्रोग्राम है उसके इफ्तिताही तकरीब पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं वहीं पर सियाहत और सकाफत को आगे ले जाने में भी कोशिशें जारी है और न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर इन कोशिशों को बरकरार रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की दूसरी खबर पर भी नज़र डालते हैं और जम्मू कश्मीर की सालाना मनसूबा बंदी के हवाले से
जो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से तकरीबन 9000 ऑडिट पैराज जो है वो सीएजी को सौंपे थे, और माना जा रहा है कि इससे पहले विंटर सेशन से पहले तमाम तर मनसूबाबंदी के हवाले से मज़ीद तफसीलात सीएजी को देंगे ताकि पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर की मनसूबाबंदी के हवाले से पूरी तरह से खुलासा किया जाएगा। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ये वो इदारा है जो कई तरह की रिपोर्ट्स मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी पर लाता है। सरकार या किसी भी रियासत किसी भी खिते की इंतजामिया की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर दुनिया के सामने रखता है, सरकार के सामने रखता है या फिर मुल्क के अवाम के सामने, तो उसको जो फीडबैक जाता है वो स्टेट से जाता है, यूनियन टेरिटरी से जाता है। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जहाँ तक बात है तो 9000 ऑडिट पार्स का जवाब अब तक दिया गया है, यानी जो सवालात सीएजी की जानिब से इस इदारे की जानिब से पूछे गए थे उसका जवाब गया है, लेकिन 9000 ऑडिट पार्स का जवाब अब तक गया है और 14000 जल्द ही मुतलका हुकाम के सामने या सीएजी के सामने रखे जाएंगे। एक बात ये, दूसरा तवक्का ये भी की जा रही है कि पार्लियामेंट का जो सरमाई इजलास है उससे पहले ही ये मामला ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से सीएजी के सामने जो भी डिटेल्स रखनी है, रिपोर्ट्स रखनी है, फीडबैक देना है, वो जो आखिरी इस सरकार का मानसून सेशन के बाद जो सरमाई इजलास होना, विंटर सेशन पार्लियामेंट का होना है, वहाँ पर अगर कोई चीज़ डिस्कस होनी है उससे पहले, चूँकि बहुत सारी हिकमत अमली जो है वो दिल्ली के अंदर तरतीब दी जाती है, तो मुमकिन है कि वो 14000 के आसपास भी जल्द बता दिए जाएँ मरकज़ी सरकार को। इसके अलावा एक बात जिस पर और फोकस किया गया है कि PFMS ये वो पोर्टल है जो जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भी शुरू किया गया है, और मरकज़ी वजारत की इकदाम के बाद जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने इस पर काम किया। यहाँ पर जो मिरासी डेटा है उसको भी अपलोड करने के लिए हिदायत मुतलका हुकाम को जारी कर दी गई है कि जितना भी आपने डेटा है, कल्चरल डेटा स्पेशली, उसको इस पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी के कुल 9000 ऑडिट पैराज का जम्मू कश्मीर की हुकूमत के जरिए जवाब दिया गया। एक बात, 14000 सरकार ने लाइन में रखे हैं, क्यू में हैं, जो बहुत जल्द मुमकिन है कि इस बड़े इदारे को सौंप दिया जाए और इस मामले में इससे पहले बंद करने की ज़रूरत है, लेकिन सरमाई इजलास जो होना है, पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा, उससे पहले ही रिपोर्ट पेश करने की तैयारी यूनियन टेरिटरी इंतजामिया की है। इसके अलावा चंद दिन पहले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने मुख्तलिफ महकमों के जो सीनियर ऑफिशल्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की थी, बिलखसूस प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ, जो ज़ेर इल्तवा ऑडिट पैराज हैं उनकी उन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ था, गुफ्तगू की गई थी। सेक्रेटरीज को पहले हिदायत का यादा किया गया था वो मफाहमत पर तवज्जो दें और फौरी तौर पर उन कामों को मुकम्मल करें जो ऑडिट के लिए अभी हमें सीएजी को या इस बड़े इदारों को भेजने हैं, क्योंकि फीडबैक जितना जाएगा वो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरीज के लेवल के अफसरान ने जारी तैयार करना है, जिसके बाद मरकजी सरकार को इसे सौंपा जाएगा या सीएजी को सौंपा जाएगा। मीटिंग में महकमा खजाना के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को इस बात से भी आगाह किया था कि 9000 ऑडिट पैराज का जवाब दे दिया गया है, दूसरे जो 14000 ऑडिट पैराज हैं उनकी भी तफसीलात बहुत जल्द वापस दे दी जाएंगी, और चौथे मरहले के दौरान उम्मीद है या तवक्कात हैं कि इस पैराज को कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि आप इसके बाद देखेंगे आप जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, सीएजी का जितना भी खुलासा होगा किसी रिपोर्ट में, किसी इदारे को लेकर, किसी एजेंसी को लेकर कोई इंकशाफ होता है या तामीर और तरक्की पर कोई रिपोर्ट आती है, जो उतार चढ़ाव कमियां या बेहतरी कहीं पर दी जाती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया का जो फीडबैक होता है उसी पर मबनी ये रिपोर्ट्स तैयार होती है कि सरकार की जानिब से हमारे पास क्या आया है, उस पर मुशाहिदा माहिरीन की तरफ से किया जाता है। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की जानिब से आज खुद ये मुशाहिदा किया गया कि पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले इस मामले को बंद करने की कोशिश हो और कमेटी के सामने इसे रखना होगा ताकि कम से कम जितने ज़ेरे इल्तवा मामलात हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। इसके अलावा भारत के कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की रिपोर्ट्स में माली साल 2019-20 का हवाला दिया गया, 2021-22 का हवाला दिया गया, 2023-24 का हवाला दिया गया और इससे मुतल्लिक पैराज। अब जो मार्च 2024 के बाद आप जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी, ये जो आज जम्मू कश्मीर इंतजामिया फीडबैक दे रही है इसी पर मबनी वो रिपोर्ट्स सारी होंगी। दो तीन चीज़ें इन शॉर्ट आपको बताएं कि मालियाती इंतजाम कैसा होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कानूनी हैसियत क्या है, बाकायदगी क्या है, कारकर्दगी क्या है और तासीर या मौसर इकदाम अगर उठाए जाते हैं तो उनका एक लेवल क्या है, क्वालिटी क्या है, मिकदार कैसी है, ये सारी चीज़ें जो है वो
नापी तोली जाती हैं और इन अलग अलग पैरामीटर्स पर रिपोर्ट तैयार होती है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को सौंपी जाती है, जिसके तहत बाकायदा कवायद जवाबित और मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा रहनुमा खतूत है उन पर अमल दरामद कितना हुआ है, ये सारी चीजें फाइनलाइज करने के बाद नई दिल्ली जाएंगी, जहां से इस बड़े इदारे सीएजी की तरफ से आइंदा जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी वो हिकमत अमली के मुताबिक और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से दिए गए फीडबैक के मुताबिक सामने आएगी और ये चीज पता चलेगी किस डिपार्टमेंट ने कितना काम किया है, खामियां कहां हैं, कमियां कहां हैं, लूप होल्स कहां हैं, जो आज फीडबैक जा रहा इसी पर सारी चीजें मुनहसर है। चलिए, प्रोग्राम में और भी मौजूदात हैं जिन पे बात होगी और भी खबरें हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।